अब ऐसा लगता है कि एक तानाशाह बैठा है जो हुक्म देता है उसको हमको निभाना है, चाहे गलत हो सही हो असंवैधानिक हो। ये लोग बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यानी समाज में जहर होने का काम करते हैं। और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो या अलग धर्म का और क्यों ना हो, सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। चाह देगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले, ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप का दम नहीं जाते। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। यूनियन लिमिटेड के 75वां वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी, संजय कुमार झा जी माननीय मंत्री जल संसाधन, सरीत कुमार महासेठ जी माननीय मंत्री उद्योग, जमा खान साहब जी माननीय मंत्री अक्षय कल्याण विभाग, सलीम परवेज साहब पूर्व उपसभापति बिहार विधान परिषद, मोहम्मद नकीब अहमद अंसारी साहब अध्यक्ष बिहार राज्य कर्मचारी बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड, प्रोफेसर तहीद अंसारी साहब जी, जनाब महफूज अंसारी साहब जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बुनकर भाई बहन और मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को 75वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं। हम अपने तरफ से भी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी की तरफ से भी आपको और सभी पूर्व में वक्ताओं ने अपनी बात को रखा ही, और ज्यादातर जो वक्ता हैं वो मंत्री है बिहार सरकार में और महागठबंधन की सरकार है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हम इतना जरूर कहेंगे जो बातें पहले भी कही गई कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये महागठबंधन की सरकार आपके लिए है और आपके साथ खड़े रहे। पहले का भी जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, 91 का जिक्र कर रहे थे, किस प्रकार से लालू जी ने सहयोग किया और हम आज उप मुख्यमंत्री बने, आप लोगों के बदौलत बने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। हम इतना कहेंगे कि जो पिता ने काम किया है उस काम को हम जरूर आगे बढ़ाने का काम, और वित्त मंत्री जी ने बताया कि एक बहुत कल्याणकारी योजना जब इससे पहले महागठबंधन 2015 में मिली थी सरकार थी तो सतरंगी जो चादर है अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में, ये योजना जो है चल रही है जो काफी इससे लोगों को लाभ पहुंच रहा है और स्वास्थ्य विभाग जो है इस चीजों को देख रहा है। अभी मांग में भी था कुछ शिकायत कि जो उसमें चीजें हैं बुनकर का छूटा हुआ है तो उसको अगर हम लोग जो है गंभीरता से लेते हुए आपके हित में जो होगा निर्णय वो हम लोग जो है ये आप लोगों का सफर इतना लंबा चला 75 साल हुआ और हम मानते हैं जो बुनकर समाज है सबसे मेहनती समाज है और सदियों से जो है ये काम करता आ रहा है और जो बुनकर समाज है जो आर्थिक स्थिति अगर देखे तो गरीबी बहुत ज्यादा है तो इसके लिए सरकार जो है विभिन्न विभिन्न योजनाएं जो है चला रही और आगे भी हम लोग क्योंकि सरकार आप लोगों के लिए और जो
लाभकारी जो काम होगा उसको देखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे, ताकि आप लोगों को आर्थिक स्थिति से उभारने की कोशिश की जाए। और यहाँ समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, काफी समाज के लोग हैं। सभी लोगों ने पहले कहा कि आप सब लोगों से किस प्रकार से देश का इतिहास जो है बदला जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि एक तानाशाह बैठा है जो हुक्म देता है उसको हमको निभाना है, चाहे गलत हो सही हो असंवैधानिक हो। अगर आप देखें तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ। बातें कही जा रही थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेक इन इंडिया और क्या क्या नहीं, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 2022 तक। 22 तक जो है सभी घर को झोपड़ी झुग्गियों को पक्का कर देंगे, एक वादा जो है पूरा नहीं किया है। और यही सवाल जब हम लोग उठाते हैं कि रोजगार का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, तो ये लोग बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यानी समाज में जहर बोने का काम करते हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। कोई चाहता है कि आपका राइटिंग छीन दिया जाए, बीच में कितना मुहिम चला था कि मुसलमानों से जो है उनका वोटिंग का अधिकार छीन लो। अरे ऐसे कैसे छीन लीजिए, हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। हम मिलकर के हिंदुस्तान के अलग से, और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो या अलग धर्म का हो क्यों ना हो, सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। तो कोई चाह देगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले, ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप पर डर ले जाते हैं। क्या चाल चला जा रहा है, क्या क्या साजिशें चली जा रही है, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को जो है इंक्लूडिंग कांग्रेस रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। अगर ये लोग आ गए तो देश बचेगा नहीं। आज क्या है, 2 लोग देश को बेच रहा है, 2 लोग देश को खरीद रहा है। क्या हो रहा है देश में भाई, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेल बेच दिया, शेर बेच दिया, भेड़ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, इंडियन ऑयल, सब चीज बेचा जा रहा। क्या काम हो रहा है देश, हर जगह बताइए। ये कर्नाटक का चुनाव था, जब हार रहे हैं तो उनको हनुमान जी आ रहा, हार रहे थे तो बोले, अभी हमने देखा नहीं ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री की कि वोट देने चाहिए तो जय हनुमान बोल करके वोट दीजिए। बोले थे ना कर्नाटक के चुनाव, लग रहा था हार रहे तो भाई कैसे पार करें, तो नफरत फैलाओ, जहर बोल,
हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराओ, यही काम था। अरे उनको तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि वोट दे तो बेरोजगारी के नाम पे काम के आधार पर वोट देना चाहिए, असल जो मुद्दा है उसके नाम पे वोट दीजिए। तो ये बोलते हनुमान जी के नाम पे वोट दीजिए, और आप रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिए कि हनुमान जी बजरंग बली मोदी जी भाजपा से नाराज है, कार नहीं लगेगा कर्नाटक का चुनाव। और आप देख लीजिए जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोग यहाँ के लोग कुछ ना कुछ कुछ कोशिश कर रहे थे, बिहार शरीफ में हो या सासाराम में क्या क्या कर रहे थे लोग, जहां जहां गृह मंत्री को जाना था उससे पहले ही आने से पहले वहां दंगा फसाद करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, पुलिस प्रशासन को, कि सही समय रहते हुए चीजों को जो है कंट्रोल किया गया, और जो नुकसान होगा सरकार जो है जय कर रही है। तो हम लोग देखिए इसे होने नहीं देंगे, और हम लोग चाहते हैं अगर हम सब लोग एक हो गए तो मोदी जी हो या और कोई हो, कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन आप लोगों से हम बस इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग भी अपने समाज में, अपने लोगों में, जो खास तौर पे नौजवान हैं, जिनको कोई बाहर का आकर के धर्म के नाम पे उकसाने का प्रयास करता है, हम लोगों के खिलाफ दिन भर गाली देते हैं, जिनकी कोई भूमिका नहीं है। हम लोग तो लड़ रहे, तो हम लोग तो लड़ रहे हैं तो हम लोगों पर छापा मारा जाता है, रेड पड़ाया जाता है। लेकिन इनकी जो बी पार्टी है, बी टीम जो है, ये कुछ बोलते हैं लेकिन उन पे आज तक कोई मुकदमा कोई छापा नहीं। ये असल में है क्या तालमेल, तो ये कोशिश किया जाएगा। यहां से कुछ हिंदुओं को बुलवाओ, कुछ मुसलमानों को बुलवाओ, इसी पे आधारित रखो। लेकिन आप सब लोगों से यही विनती है कि आप लोग सभी लोगों को एक रखने का काम कीजिएगा, किसी को भटकने मत दीजिएगा। और दक्षिण भारत से भाजपा खत्म होगी, केंद्र में आइएगा, केंद्र भारत में तो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में चोरिए से विधायक खरीद करते हैं, बेमानी से बंगाल में है ये नहीं है, छत्तीसगढ़ में है ये नहीं, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, आपका राजस्थान में नहीं है, केवल गुजरात और यूपी में है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, एक हरियाणा है, एक उत्तराखंड है बस। और उधर नॉर्थ ईस्ट चली गई तो उन राज्यों में केवल एक जगह भाजपा है, यानी भाजपा है का बाकी सबसे ज्यादा जगह तो रीजनल्स पार्टी है, क्षेत्रीय दल। तो इसलिए आप सब लोगों से कह रहे ये मौका अच्छा है, सब लोग गोलबंद रहिए, वरना इसी प्रकार से कोई काम नहीं करना है, मुगल गार्डन का नाम बदल देना है, इलाहाबाद का नाम बदल देना है। अरे यहां तो कोशिश बख्तियारपुर का भी चाह रहे थे कि नाम बदल देने का, लेकिन नीतीश जी के रहते हुए होने नहीं दिए। बात समझिए आप लोग, इस तरह का प्रयास लोग करते रहते हैं, करेंगे तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो महागठबंधन की सरकार है ये किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, गरीब पे है, जो वंचित समाज, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए है, सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है, बस एक रहना है, और बाकी का जो काम होगा आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। सबको मान, सबको सम्मान मिले, सबको सब लोगों की तरक्की हो, यही हम लोगों की दुआ है, यही हम लोगों की कामना है। इस काम को जो है हम लोग पूरा जरूर करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को आदाब सलाम हम करते हैं और पूरी शुभकामनाएं देते हैं आप लोगों को, और अपनी बात को ही जो है विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।